यहाँ पे कृष्णा मेरी गोद में जो है सो रहा है। भाभी ने मुझे बना के ला के दी सैंडविच, उसका लुफ्त उठाएंगे। तो ये है हमारे खेत का अमरूद जो कि सौरभ तोड़ के लाया, तोड़ के ऐसे भी ले आया है जो पेड़ मैंने दिखाया था, पर यार इतने बड़े अमरूद तो उसके लगे नहीं थे। देखो ये रेड रेड है ना, सुंदर, खा के देखते हैं। अमरूद तो बड़े हो गए पर देखो क्या हालत करी है, इसलिए इस साइज के तोड़ने पड़ेंगे। ये चिड़िया या गिलहरी कुछ भी जानवर खा, ये मुझे तो गिलहरी जैसा ही लग रहा खाया हुआ। हाँ क्या कर सकते हैं, इतने छोटे अमरूद भी इतने रेड हैं और बहुत ही बहुत सॉफ्ट है। आपने अगर मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा होगा उसमें अमरूद बहुत छोटे साइज के थे, ये साइज के थे, पर अब जो अमरूद है वो बड़े हो रहे हैं। और छोटे छोटे अमरूद ही बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं, पर इनको गिलहरी और चिड़िया ये सब खा रही है। तो मम्मी का कहना है कि थोड़े बहुत खाने हैं तो छोटे छोटे तोड़ के खा लो। कोई दिख जाए तो तोड़ लूँ मैं भी एक और। ये देखो आई, इसी साइज के तोड़ के खाने पड़ेंगे सारे। ये देखो ये तो मुझे टाइट लग रहा है, ये तो सॉफ्ट लग रहा था। तो यहाँ पे आज मैं भिगो रही हूँ मेहंदी बालों को लगाने के लिए। एक्चुअली मामा ने सुबह सुबह इतनी मेहंदी मेरे लिए भिगो दी थी, मैंने आपको बताया था कि मेरे ग्रे हेयर्स आ रहे हैं आगे आगे फ्रंट में, तो मम्मा ने बोला था थोड़ी सी लगा लो, तो मैंने कहा फिर लगा ही रहे तो पूरे में लगा लेते हैं। तो इसलिए मैंने ये मेहंदी जो है ये छोटी पैकेट्स थी, इतनी बड़ी वाली पैकेट नहीं हुई थी गाँव में, तो 1 2 3 4 5 ये तो 5 आई गेस मेरे बालों में लग जानी चाहिए, या फिर एक और डाल लूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं लगा ही रही तो फिर और अच्छे से लगाऊँ। यहाँ पर मैंने चाय पत्ती का पानी गर्म कर लिया है, इसमें मैं ये जो मेहंदी है वो भिगोऊंगी। मेरे पास कॉफ़ी नहीं है, अदरवाइज़ मैं कॉफ़ी भी डालती हूँ इसके अंदर, और आंवला रीठा आपके पास जो भी पाउडर मिक्स हो वो सब डाल सकती हूँ। मेरे पास हाल फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या मतलब नहीं है अभी मेरे पास यहाँ पर, तो फिर मैं सोच रही हूँ उसमें एक पैकेट और डाल के ये चाय पत्ती के पानी से भिगो के फिर थोड़ी देर रख के लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये भिगो दी कि छोटे छोटे लम्ब से ये पूरी निकालनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं बालों में लगा रही हूँ, हाथों में लगा रही हूँ तो शायद निकालनी ही पड़ता है, पर ठीक है ये इस तरह से भिगो के अब इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दूंगी, आधे घंटे के बाद मैं इसको बालों में लगाऊंगी। सो मैंने बाबा जी का रूप धारण कर लिया है और मेहंदी लगा ली है, बहुत अच्छे से एक एक बाल में लगाई है, बालों को इस तरह से बांध लिया है ताकि कहीं इधर उधर छिटके नहीं, आराम से यू नो मैं भी थोड़ा आराम से रह सकूं। सो 2 घंटे रखूंगी उसको, 2 घंटे रखने के बाद मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी। चेतन ये ब्लॉग देखेंगे तो बिल्कुल गुस्सा करने वाला है, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है मेहंदी लगाना और हाथों में पसंद नहीं, तो सोचो बालों में, मैंने शादी के बाद से मेहंदी लगाई नहीं है, मैं पहले लगाती थी बालों में, बट शादी के बाद से मैंने एक बार भी बालों में मेहंदी नहीं लगाई है, क्योंकि चीतन को पसंद ही नहीं मेहंदी की स्मेल, एंड मेहंदी लगाना इनको देख के उल्टी आने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने रिस्क लिया कि आज मेहंदी लगाते हैं, सो मैंने इस तरह से लगा ली है और 2 घंटे के बाद में मिलते हैं। कृष्णा सो रहा है तो मुझे लगा कि चलो इसी साथ में लगा ले। मम्मी कचरा, ये देखो मम्मी कचरा जलाने में लगी हुई है, यहाँ पे जितना भी कचरा है वो सब जला दिया जाता है, तो प्लास्टिक वगैरह जलते नहीं है ना खेतों में, तो ये जो ये जितने भी ये जो प्लास्टिक है ये पूरा जला देंगे, तो इससे क्या होता है इससे मच्छर भी भाग जाते हैं, पेड़ों में भी धुआं हो जाता है जिससे पेड़ों के मच्छर भी भाग जाते हैं, और जो इन पे मतलब कुछ कीड़े वीड़े लगते हैं वो चले जाते हैं और प्लास्टिक भी जल जाती है।
हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त हो गए। पर हम लोग भी अच्छे हैं। एंड मेहंदी लगा ली थी, बाल सूख गए थे, धो लिए थे और उसके बाद सो के उठी हूँ अभी। तो कलर आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा मेहंदी का डिफरेंट कलर हो जाता है। जो देखो वाइट बाल है ना, वो इस कलर के हो जाते हैं। तो जो वाइट होते हैं ना, वो एकदम से रेड ऑरेंज टाइप के हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा अजीब लगते हैं। तो जैसे मेरे फ्रंट में थोड़े बहुत वाइट हेयर्स आ रहे हैं ना, तो इन पे क्या करूँगी मैं, थोड़े थोड़े मेहंदी भिगो के 2-3 दिन लगातार इन पे लगाऊंगी, तो इनका कलर मरून हो जाएगा और मेरे बालों से थोड़ा सा मैच करने लग जाएगा, तो थोड़ा सा अजीब नहीं लगेगा। तो ये प्रोसेस जो है वो करना पड़ेगा मुझे। मेहंदी में लगा दूँ, मतलब मैं बता दूँ मेहंदी के बारे में कि मेहंदी से काफ़ी लोग सोचते हैं कि ना बाल जो है वो ड्राई हो जाते हैं, बालों का जो मॉइस्चर वो खींच लेती है मेहंदी और अच्छी नहीं होती। तो क्या होता है ना कि बालों के लिए मेहंदी बहुत अच्छी होती है, मेरे लिए तो हमेशा से ही अच्छी रही है। बाल जो है मेरे ग्रोथ अच्छे करते हैं, मेरे बाल ना बहुत स्ट्रांग फील करती हूँ मैं मेहंदी लगाने के बाद में, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं बाल, तो इसलिए मेरे लिए तो अच्छी रहती है। और आप अगर आप ऐसे सोचते हो कि मॉइस्चर खींचती, तो हाँ खींचती है, लेकिन जब आप इसको काफ़ी देर के लिए छोड़ दो और बाल एकदम ड्राई होने पे, मेहंदी एकदम ड्राई होने पे अगर आप धोते हो, तब वो मॉइस्चर जो होता है ना वो खींच लेती है। इसको ड्राई मत होने दो, आप लगा लो 2 घंटे के लिए, इसके ऊपर पॉली बांध लो या कुछ, जैसे मैंने टाई किया हुआ था वो अंदर से पूरी भीगी हुई रहेगी। वैसे मेहंदी सूखती नहीं है, अगर आप इसको राउंड करके सर पे पूरा रख लोगे ना, तो वो मेहंदी सूखेगी नहीं, उससे आपका जो मॉइस्चर है वो लॉक रहेगा, वो नहीं निकलेगा और वो मेहंदी गीली ही रहती 2 घंटे बाद में। और आप उसको धो लो, मेहंदी अपना कलर ऑटोमेटिकली 2-2.5 घंटे में छोड़ देती है, भले वो सूखे या ना सूखे। तो ऐसा है कि बालों पे अगर आपको लगानी है तो ऐसे ही लगाए, और उसमें थोड़ा सा दही और मिला ले 2 चम्मच, और काफ़ी सारे तरीके आप YouTube पे देख सकते हो। मैं यूजुअली थोड़ा 2 चम्मच दही मिलाती हूँ और फिर उसके बाद में कॉफ़ी पाउडर डालती हूँ, चाय पत्ती के पानी में भिगोती हूँ, फिर जो है मेहंदी जो है बालों में लगाती हूँ 2 घंटे के लिए, उसको छोड़ देती हूँ। कभी कभी ओवरनाइट भी भिगो के रख देती हूँ। बस मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही करती हूँ मैं कि जैसे दिन में याद आता है कि आज मेहंदी लगानी है, तो आधा 1-2 घंटा पहले भिगो दी, फिर उसके बाद मैं लगा ली, 2 घंटे रख ली, फिर वापस उतार दी, उससे बाल बहुत स्ट्रांग होते हैं। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि बालों के लिए आप क्या करते हो। हाँ, मेहंदी मैं हमेशा से ही लगाती हूँ, शादी के बाद छोड़ दी, रीज़न आपको पता है कि छोड़ दी। आज शादी के बाद 3-4 साल बाद आज ही मैंने बालों में मेहंदी लगाई है, सो मुझे अच्छा भी लग रहा है और अच्छे लगते हेयर्स, लगानी चाहिए अगर आप लगा सकते हो तो, नहीं पसंद है तो मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कुछ लोगों ने मुझे बोला कि बाल क्यों कटवा लिए, तो बाल इसलिए कटवा लिए क्योंकि मुझसे हैंडल नहीं हो रहे थे। जो चीज़ आपके वश में ना हो, आप नहीं कर सकते जिस चीज़ की केयर, वो चीज़ मत रखो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको रखना। मुझे लग रहा था कि मैं अच्छे से बालों की केयर नहीं कर पा रही, 2-2 दिन तक बाल नहीं बना पा रही, तो ऐसे बाल रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है जो झाड़ू जैसे हमेशा से बंधे रहे और हमेशा से आप खोलो तो उलझे हुए रहे। नहीं, बाल अगर कोई चीज़ आपको भगवान ने गिफ्ट किए तो उसको अच्छे से रखो। तो मुझे अगर बाल अच्छे से दे तो मैं अच्छे से रखने के लिए भाई अब मैं मेहंदी लगा सकती हूँ, उनकी केयर कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने बाल कटवा लिए और वापस बढ़ जाएंगे, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो शाम के टाइम, तो आज मेरी डिमांड पर बने गुलगुले, मैंने मम्मी को बोला मुझे ये खाने हैं, मस्त है, अच्छे बने। तो यहाँ पे तो शाम हो रही थी, मैंने मम्मी को बोला मम्मी कुछ खाते हैं, शाम होते होते आपको लगता है ना कुछ खा ले, तो मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने काफ़ी टाइम से मम्मी को बोला था मम्मी गुलगुले बनाओ। हमारे यहाँ पे ये जो चीनी के होते हैं इसको बोलते हैं गुलगुले, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं मम्मी को बोल रही थी आज, मैंने कहा मम्मी आज तो बनाने पड़ेंगे, तो मम्मी ने मेरे लिए बनाए और अभी खा रही हूँ मैं। गर्मा गर्म खाने का तो मज़ा ही अलग है। ये बने तो मम्मी ने साथ में बोला कि पकौड़े भी बना दूँ क्या, मेरे को बना लो। मुझे पकौड़े इतनी ज़्यादा पसंद नहीं बेसन की, मैं दाल की खाती हूँ, अच्छी लगती ज़्यादा, बट ये तो मुझे बहुत पसंद है आटे के। सो किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि कृष्णा कैप में जब सिंदूर गिर गया था, मतलब मैंने आपको स्टोरी बताई हुई है,
तो उसके आँख में प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमने कौन सी दवाई, कौन सी जो ड्रॉप यूज़ की थी, तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो ड्रॉप यूज़ की थी वो मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि मेडिसिन वगैरह ऐसी चीज़ है जो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लो, चाहे वो आँख में क्यों ना डालनी हो। तो मैंने मतलब मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर मैंने आपको दे दी और वो नहीं मिली सेम ड्रॉप आपको, और किसी ने बोला कि नहीं इसकी जगह पे ये डाल दो ये भी चलता है, और आप ले आए और बच्चे को इन्फेक्शन कुछ भी हो गया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, इमीडिएट डॉक्टर को मतलब पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, फ़ोटो भेजिए। जैसे मैंने भेजी थी, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी और बहुत मतलब ऐसी मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे टॉन्ट किया था कि तुम सिंदूर नहीं लगाती हो, तुम मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली थी, पर आपको शायद सिचुएशंस पता नहीं होती किसी की और आप बोलने से पहले, बट शायद अब हमने ही आपको ये हक दिया है बोलने का, तो आप बोल सकते हो। बट थोड़ा सा अच्छे से बोले तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब लगाती हूँ, बहुत अंदर लगाती हूँ, कोई दिखता है कोई नहीं दिखता है, खैर इसे बात की बात है। सो मैं ये बता दूँ कि मैं आपको पक्का बताती, अगर आप भीलवाड़ा में जैसे होते तो मैं पक्का बताती, आप शायद उस शॉप से जाके सेम दवाई ले सकते थे, बट अभी आप नहीं ले सकते हो तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। बस ये है कि डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको पक्का बता देगा, और जल्दी से जल्दी कंसल्ट करिए, बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कभी भी। सबको थैंक यू बोल दो, बोलो। एंड थैंक यू सो मच गाइस, मैं थैंक्स बोलना भूल गई थी आपको, पर ये तो गलत बात है, जो चीज़ जो आप लोगों को बहुत अच्छा कुछ बोलते हैं उसके लिए थैंक्स बोलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थैंक यू सो मच इतने सारे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। बहुत सारे बहुत बहुत अच्छे अच्छे थे, सबको मेरा हेयर कट बहुत पसंद आया, कुछ लोगों को लगा कि इतने बड़े बाल कैसे कटवा ली, बट मैंने आपको रीज़न बता दी ऑलरेडी। एंड थैंक यू सो मच, इसी तरह बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाय बाय गाइस।